नमस्ते पाला, कैसे हैं आप सब? आज एक और बाबा सिर पेश किए हैं पवन सिंह, जिसका नाम है हरी हरी नहीं, लाल लाल घगरा नहीं, क्या नाम है यार, पियर पियर ओढ़नी नहीं, 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 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हरी हरी ओढ़नी। हाँ, गाने का नाम है हरी हरी ओढ़नी। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि भैया एक घंटे के अंदर कितना व्यूज प्राप्त किया है पवन सिंह के टीजर ने। वहीं पे देखा जाए तो खेसारी भाई का जब तबला का टीजर आया था तो उसका कुछ रिकॉर्ड उकॉर्ड तोड़ पाया कि नहीं तोड़ पाया है, आइए समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। बाकी चैनल को सब्सक्राइब। तो भैया बात ऐसा है कि आज जो है पवन सिंह बहुत दिन बाद गाना रिलीज करते हैं जिसका नाम होता है बिल्कुल हरी हरी ओढ़नी, और एक घंटे के अंदर व्यूज देख के मतलब उठ के चले जाने का मन करता है। इतना जबरदस्त व्यूज प्राप्त किया है, आप लोगों को लगता होगा कम से कम तो 2-3 मिलियन व्यूज प्राप्त कर लिया होगा पवन सिंह के टीजर ने, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े सिंगर है ना। तो बात ऐसा है कि पवन सिंह के गाने पर अगर व्यूज देखा जाए, गाने के टीजर पे व्यूज देखा जाए तो कुछ एक घंटे के अंदर पूरा देखा जाए तो पूरा 14,000 लाइक्स मतलब व्यूज प्राप्त किया है, पूरा 14,000, और लाइक्स की बात किया जाए तो पूरा जो है 8,000 शायद लाइक्स प्राप्त किए हैं। लेकिन बात यहाँ पे आता है, जब खेसारी भाई का तबला गाना आया था तो उस गाने ने कितना व्यूज प्राप्त किया था, मतलब उस गाने का टीजर ने कितना व्यूज प्राप्त किया था एक घंटे के अंदर। तो बात ऐसा है, जब खेसारी भाई का तबले गाने का टीजर आया था तो वो एक घंटे के अंदर 29,000 व्यूज प्राप्त किया था जो पूर्व यहाँ पे है, और कुछ 11,000 लाइक्स प्राप्त किए थे, और कुछ दिन बाद जाके वो गाना मतलब वो गाने का टीजर जो ट्रेंडिंग में चला गया था। तो अभी भी वो गाने का टीजर जो है ट्रेंडिंग में है। तो यहीं से पता लग जाता है कि बपुआ कौन है, बेटौआ कौन है, माई कौन है, महतारी कौन है, ठीक है, यहीं से समझ में आ जाता है। और तबला गाना लेडी जो है नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है, और पवन सिंह बहुत दिन बाद जो है हरी हरी पियर पियर लाल लाल पता नहीं घगरा चोली यही है धनिया पुदीना इसी पे गाना आता है पवन सिंह का। तो भैया बहुत दिन बाद गाना लेके आए हैं, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा क्या? अब हर एक बार जो है हकते हुए बटन मार सकते हैं का कोई? एक बार लाल घगरा चल गया तो सबका गनवे चल जाएगा, 2-4 दिन 2-4 मिलियन जाएगा, उसके बाद में वहीं पे अटक जाएगा। हाँ, तो बात ऐसा है कि भाई देखा जाए गाने का क्वालिटी तो उसमें जो है एक डफली सी हमको दिखी है पवन सिंह के गाने पे, जो कि बिल्कुल हमको पसंद नहीं है, थोड़ा सा भी पसंद नहीं है। वही है बबुआ नहरान में लड़ाने वाली, क्योंकि पिछली बार स्टेज शो पे बबुआ नहरान कर रही थी, और देखा जाए तो खेसारी भाई के गाने में नाच नाच के मतलब थोड़ा सा नाम कमाई है, और अभी जो देखा जाए तो मतलब जात बिरादर का साथ ले रही है, कैसे कि बहुत से गाने में जो है पवन सिंह के साथ में दिखती हैं, वो भी सिंह है, तो जो है कुछ शायद चल रहा होगा, इसलिए शायद हर एक गाने में दिखती हैं, चाहे स्मृति सिंह हो जाए, चाहे डिम्पल सिंह हो जाए, चाहे और कौन सिंह हो जाए, तो मतलब सब सिंह मिलके जो है एक साथ काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। और बाकी खेसारी भाई का गाना जो है तांडो मचा रहा है, और सबसे बड़ी अपडेट ये है कि खेसारी भाई का एक फिल्म जो है कल की परसों रिलीज हुआ था जिसका नाम है शादी हो तो ऐसी, नेपाल में नंबर 18 पे ट्रेंड कर रहा है, शायद नंबर 18 पे ट्रेंड कर रहा है, बहुत खुशी की बात है। बाकी आज की वीडियो में अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, चलते हैं, तब तक ले नमस्ते पाला जी।